नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए मज़ीद 40 बसों की दूसरी खेप कल कराची पहुँचेगी। तफसीलात कुछ यूँ हैं। आईवी ओशियन नामी जहाज़ 14 अक्टूबर को 11:40 कराची पोर्ट पहुँचेगा। गुज़िश्ता माह 40 बसें कराची पहुँच चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ आइंदा माह से हो जाएगा। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। बसें मुकम्मल एयर कंडीशन होंगी, जिनमें 200 से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। बस में ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए नशस्तें मुख्तस होंगी। इस मंसूबे की वजह से 25 लाख से ज़ायद अफराद, जो कि रोज़ाना ट्रैफिक की बदहाली का शिकार होते हैं, उनको सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस की पहली खेप, जो कि 40 बसों पर मुश्तमिल थी, पिछले माह कराची पहुंच चुकी थी और अब बाकी की 40 बसें कल दोपहर कराची पहुंच जाएंगी। पिछले माह प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान कराची पहुंचे थे ग्रीन लाइन बस सर्विस की टेस्ट ड्राइव के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका प्रोग्राम है इस बस सर्विस को ऑपरेशनल करने का। एक बार फिर मैं अपने नाजरीन को बताती चलूं, ग्रीन लाइन बस की दूसरी खेप, जो कि 40 बसों पर मुश्तमिल होगी, कल दोपहर कराची पहुंचेगी। साथ ही साथ जो आपके साथ पीछे वीडियो शेयर की जा रही है, वो ग्रीन लाइन बस का रूट है, जो कि सरजानी से शुरू होकर नुमाइश चौरंगी पे ख़त्म होता है। इस बीच जो स्टेशन आएंगे उनके नाम कुछ यूँ हैं: पावर हाउस, यूपी मोड़, नागन चौरंगी, फाइव स्टार चौरंगी, उसके बाद हैदरी मार्केट, फिर नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस, गोली मार, उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर रोड, फिर गुरु मंदिर, मज़ारे कायद, नुमाइश चौरंगी और फिर जामा मार्केट। ये वो स्टॉप्स हैं जहां पे बस को चंद मिनटों के लिए रोका जाएगा ताकि मुसाफिर चढ़ और उतर सकें। ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।